थम नहीं रहा चोरियों का सिलसिला शहर में। एक महिला सड़क पर चल रही थी और एक युवक जो है वो आता है और उस महिला का पर्स जो है वो छीन कर भाग जाता है। मोबाइल था वो 5000 का था। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। थम नहीं रहा चोरियों का सिलसिला शहर में। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। जी हां, चोरियों का सिलसिला जो है वो शहर में थम नहीं रहा है। ऐसा ही एक मामला जो है आज दोपहर को सामने आया है। जिला उधमपुर के पाइन बिल्ला के बिल्कुल नज़दीक एक महिला सड़क पर चल रही थी और एक युवक जो है वो आता है और उस महिला का पर्स जो है वो छीन कर भाग जाता है। जी हाँ, उस महिला ने बताया कि उसके उस पर्स में उसका मोबाइल था और लगभग कैश जो है वो 5-6 हज़ार का कैश भी था, लेकिन उस युवक ने होशियारी के साथ उसका जो पर्स था महिला का वो छीना और वहाँ से पाइन विला की ओर जो सड़क जाती है अंदर की ओर वहाँ की ओर भागने में वह युवक जो है वो सफल हुआ। उसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची, व्यापार मंडल की टीम जितेंद्र बर्मानी की अध्यक्षता में वहाँ पहुँची। आइए सुनते हैं क्या कहती है वो महिला और क्या कहते हैं व्यापार मंडल के प्रधान। बड़ी जोर पा गया, क्या क्या डाला था, मैं काली जैकेट डाली थी इसने। पर्स के अंदर क्या क्या था? मोबाइल था वो 5000 का था। बस बस। कितनी उम्र का लड़का है ये? होगा 45 तक। 45? हाँ। आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही थी। कहाँ से, इलाके का नाम, जगह का नाम बताइए। घर से आई थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया हुए? हाँ किया है, वो ढूंढ रहे हैं लड़के को। गुरमानी जी, चोरी की वारदातें लगातार जो बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज हमारे एक दुकानदार कोट रोड के लक्ष्मण दास जी, वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, उनकी वाइफ घर से निकले तो एक कोई वहाँ पीछे से लड़का आया, उसने उनका बैग खींच लिया, उसमें 5-6 हज़ार के करीब और उनका मोबाइल था। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और वो पाइन बिल्ला की तरफ भागा है। हमने उनको बताया वो किस तरफ भागा है, ये पुलिस की तो बोलाई, वहाँ जिस जगह बैग खींचा गया वहाँ कैमरा भी लगा है, उसकी फुटेज चेक करवाएंगे और जल्दी से जल्दी पुलिस को बोलेंगे इसको बरामद किया जाए। जिस तरह से बनवारी जी लगातार ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस से क्या मांग करेंगे? पुलिस से यही मांग करेंगे कि जितने हमारे शहर में ये बढ़ता जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए और ये जो मुजरिम है इनको पकड़ा जाए और इस पर कंट्रोल किया जाए।